मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार को ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत परेशानी एवं समस्याओं से जूझ रहे लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंगलवार के दिन कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह विक्रम एवं अन्य अधिकारियों ने जनसुनवाई में आए लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द दूर करवाने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में एक विकलांग युवक भी अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचा। मीडिया से बातचीत करते हुए विकलांग युवक ने कहा कि मेरा निवास शर्मा फार्म रोड PHE कॉलोनी हजीरा पर है। मैं पिछले 6 महीने से ट्राई साइकिल के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कार्यालय पर आवेदन लगा चुका हूँ। कई बार कार्यालय पर जाकर बात करने की कोशिश की तो कार्यालय से भी मुझे टरका दिया जाता है। मैं बेरोजगार हूँ, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि मुझे ट्राई साइकिल शासन के द्वारा मिल जाए तो मैं उसके माध्यम से कुछ रोजगार कर पाऊंगा। अभी तक कई बार प्रशासन और सरकार से मैंने अपनी समस्या के लिए कई बार आवेदन दे दिए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी समस्या का समाधान 6 महीने में भी हमारे ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समाधान नहीं कर पाए, जिसके कारण आज मुझे विवश होकर कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। इससे साफ प्रतीत होता है कि शासन और सरकार की योजनाएं केवल फाइलों में ही है। सरकार कितने भी दावे कर ले, फिर भी आम जनता को योजनाएं मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिल पाएगा या नहीं। नाम क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल कुमार बोल है। आपकी क्या समस्या? मेरी समस्या है क्या है, मैं कम से कम 5-6 महीने हो गए प्रधान जी के हमें साइकिल के लिए डिब्बे के लिए अप्लाई कर रखी थी, वो अभी तक मेरे को कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई डिब्बा नहीं मिला। मास्क लेके आओ। ट्राई साइकिल आपके यहाँ पे कैसे आए? मैं कलेक्टर साहब से द्वारा सुनवाई के लिए सुनवाई द्वारा लगाने के लिए आया हूँ। कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं शर्मा फार्म रोड PHE कॉलोनी के ये ग्वालियर विधानसभा पड़ती है। हाँ। तो आपने इसके लिए क्षेत्रीय विधायक जो मंत्री जी ऊर्जा मंत्री उनसे बात करी कभी? हाँ, करी है भाई साहब, एप्लीकेशन भी है हम पे। क्या बोलना है उनका, क्या कहना है उनका? मिल जाएगी, अभी तक हमको मिली नहीं, 5-6 महीने हो चले हैं, आज कल मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी, तुम मेरे को चक्कर क्यों लगाते हो, ऐसे चिल्ला के और पड़ती है। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है चिल्ला के? वहाँ के वो रहते हैं, उनके कब दिया था आपने आवेदन? 4-5 महीने हो चले हमको, आज जनसुनवाई में आए हो, इसलिए हम जनसुनवाई में द्वारा आए। अब कहीं जाना होता है तो आपसे ट्राई साइकिल बेस साइकिल लेके आए हैं, पहिए वाली, अब पंचर हो गई बीच में, वहाँ कहाँ चढ़ाए भाई साहब, और कहीं चढ़ाई कैसे चढ़ाए भाई साहब, और कहीं से आपको मदद की आश्वासन वगैरह कहीं से मिला है? कोई मदद नहीं मिली है। रोली, आज जनसुनवाई में क्या पीछे प्रकरण आए? नहीं, ऐसा कोई विशेष प्रकरण तो नहीं है, नॉर्मल जनता की समस्याएं हैं, उनकी फोन सुनवाई करके निरंतर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी समस्या होती है उसका निरंतर कार्रवाई उसको की जाती है। कोई विशेष कोई समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सारे प्रकरण उसी के आवेदन, कुछ दिन पहले खाद्य आपूर्ति संबंध में ज़्यादा प्रकरण आ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सामान्य रूप से प्रकरण आ रहे हैं, किसी एक समस्या के बहुत सारे प्रकरण नहीं है। ओके, वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।